अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, वन फिट वार्ड। तो प्लान कुछ ऐसा है कि मैसेज आ रहा है ऊपर से, सॉरी। तो अभी हम जा रहे हैं बीच पे, रशियन बीच पे, और गाड़ी के हालात अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि ये महमूद साहब फंसे हुए हैं और ये वकील साहब ऊपर फंसे हुए हैं और शहरी भाई नीचे फंसे हुए हैं और दो हस्तियाँ आगे बैठी हुई हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बीच पे, आज आपको विज़िट करवाएंगे बीच। मतलब फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं भी, तो देखते हैं आज का ये व्लॉग, ये वीडियो कैसी बनती है। और फिलहाल ज़ोरों शोर से जम भी खा रहे हैं और साथ साथ सफ़र भी कर रहे हैं, तो फिर मिलते हैं वहाँ पर जाके, तब तक के लिए इंतज़ार करें। अभी बीच पे जाने से पहले हम एक मज़ार पर आए हैं, मतलब समंदरी बाबा। ये पीछे मज़ार है वो, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। वहाँ जाने से पहले पीछे कुत्ता भी है, तो अभी हम जा रहे हैं। इस बड़ा प्यारा रास्ता ऊपर जाता है, दिखाता हूँ आपको। सारी चादरें वगैरह पड़ी हैं, फूल वगैरह, और ये रास्ता है ऊपर, वो ऊपर मज़ार है। अभी हमने जाना है वहाँ, तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर। ये सारा नीचे समंदर और जो कुछ भी है, कश्तियाँ वगैरह। अभी हम यहाँ पहुँचे, ये सैयद हसन शाह हसन सरकार, ये इनको समंदरी बाबा जो भी कहते हैं। तो अंदर मज़ार है, अंदर में भी वीडियो अलाउ ना हो तो मैं वैसे दिखाता हूँ आपको। ये है ये मज़ार है अंदर फ़िलहाल, मैं चले आपको दिखा लूँ, फिर बाकी बाहर चलते हैं इंशाल्लाह, फिर अगला नेक्स्ट उसका सारा मतलब जो भी है। अभी नीचे जाना है ना, तो मतलब सोचा आप ऊपर से भी तो चेक करवा लें। तो जी अभी हमारी आने की खुशी में जनाब पानी चला गया अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी फ़िलहाल देखते हैं। बहुत प्यारा सिस्टम है, नीचे फोटोग्राफी भी हो रही है, हम भी करेंगे कि हम इस फील्ड में पीछे ना रह जाएं। तो भी चलते हैं नीचे इंशाल्लाह। तो अभी हमने औलिया दरबार शरीफ से, और यहाँ की ख़ास बात कि यहाँ कवे देख रहे हैं आप, कवे इतने ज़्यादा हैं कि क्या ही बताऊँ कितने ज़्यादा हैं। तो अभी यहाँ से हमने जाना है सीधा नीचे और फिर आगे चलना है बीच पे, तो चलते हैं, लेट्स गो। इन्हें अभी एम आई में बीच पे, तो बहुत बड़ी इन्होंने मछली पकड़ी है अभी। जी भजन, ये बड़ी मेहनत से जाल लगा के मैंने समंदर में बैठा हुआ था तो ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद मुझे मछली मिल गई है। हाँ जी, तो बड़ा मज़ा आ रहा है शिकार करके। हाँ जी, ये जाल पड़े हुए हैं सारे नीचे, तो कल केमाड़ी में बड़ा जाल लगाएंगे जाके। हाँ जी, तो वहाँ फिशिंग करेंगे हम इंशाल्लाह। तो कैसा लग रहा है आपको ये मछली पकड़ के? सर बड़ा मज़ा आ रहा है। वैसे ये नाई भी बिल्कुल भी नहीं है, इसकी अम्मी ने इसे आज नहलाया नहीं था। हाँ जी, तो ये इस टाइम अभी हम इसको नहलाने जा रहे हैं। अम्मी की बात नहीं मानी तो मेरे हाथ आगे देख लें, अब इसकी पिटाई होने वाली है बहुत शदीद किस्म की। तो ये था बीच, वैसे ये मुझे बीच लग कहीं से नहीं रहा, मैंने भी बड़ी बड़ी छोड़ी थी शुरू में, तो बहरहाल माजरत उसके लिए। तो शहरी भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? जी इनको शर्म आती है, समय परेशान नहीं होना आपने। तो ये भाई कह रहे हैं कि ये वीडियो बना रहे हैं, तो वाकई इनको भी बड़ा शौक था। जनाब पानी में थोड़ा सा ना चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या होता सांस आ जाए। बस इतने मासूम इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे। तो लेकिन ये चली नहीं है, और अब ये डॉक्टर आ गए फिश के। जी आप कुछ चलाना चाहेंगे इसे? साफ तो चले देता। अच्छा केड़ी नस्ल है? खगुआ। खगुआ नस्ल की है ये। तो ये है जनाब मछली। तो अभी हम चलते हैं जनाब वहाँ पे बैठते हैं। इसका ये काम का देख लिया, ये और ये जहरीला है, ये साइड है। वाह, जहरीला कांटा इसका, ये बंदा मर जाता है ऐसे? नहीं मरेगा नहीं। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा दर्द होगा। अच्छा अच्छा, थोड़ा तो थोड़ा दर्द होगा, फिर तो थोड़ी जहरीली है। कांटा इनका ऐसा है ना कराई की तरह, अगर घुस किया तो निकलेगा नहीं। ओए होए होए, खतरनाक बंद है। वाह वाह वाह, तो पीछे चलते हैं आगे हम। ये सारी मछलियाँ देखने, उन्हें शराब पी है,
तो उनकी तबीयत हो गई ख़राब, तो ये इधर ही बेहोश होकर गिर पड़ी और मर गई हैं। ये छोटी छोटी मछलियाँ इन्होंने शराब पी है, ये सारी चरसी और शराबी मछलियाँ थी। समझ आ रही ना आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब चरसी थी तो इसलिए। तो ये है जी बीच आगा, जिसके लिए मैं यहाँ पर बड़ी कोशिशों के बाद आया हूँ और ये दिखाने आया हूँ। तो ये है सारा बीच यहाँ का, बड़ा ज़बरदस्त। और ये सारा व्यू, ये पीछे हमारी पूरी टीम खड़ी हुई है, साथ साथ बता रहे हैं, वो पीछे कश्तियाँ खड़ी हुई हैं। कल मतलब रात को इधर पानी आता तकरीबन 10 बजे के करीब, तो मतलब बहुत लेट आता है। तो वो जो कश्ती पीछे खड़ी थी वो रात को ना कल मतलब डूब गई थी, वो मतलब समझ रहे हैं हम, डूब गई थी। तो अभी हम यहाँ पर हैं पीछे, ये सारा आर्मी का चेक पोस्ट है, तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत दी हमें, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अभी हम इनके पास थे यहाँ पर, और इन्होंने कहा कि हम आम बंदों को जाने नहीं देते, लेकिन आप पंजाब से आए हैं तो फिर स्पेशली हमारे लिए। तो अभी हम बीच के पास हैं, यहाँ पर इंजॉयमेंट कर रहे हैं, पानी क्योंकि बहुत ज़्यादा कम है, तो इस वजह से अभी फिर हम वापस जा रहे हैं। फिलहाल प्लान तो यही है। तो ये तो सारा व्यू, मैं अभी आपको और भी दिखाता हूँ। तो ये है जनाब सारा बीच, ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये कैमरे से कर रहा हूँ, मतलब जो आपके भाई का कैमरा है उससे शूट कर रहा हूँ। ये सारा, वो सामने कश्ती हैं, ये मस्जिद है, और ये सारा एरिया इसका, ये सारे इंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह बड़ा प्यारा इलाका है, मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ कराची, तो इसीलिए मतलब मुझे खुशी हो रही है। वैसे तो मतलब नेचुरल चीज़ें, खुशी तो होनी है, फिर दहरी सी बात है। तो ये था व्यू सारा, और यहाँ के पत्थर इतने ज़बरदस्त हैं ना, मतलब ये वाले यहाँ पर अभी हमने फ़ोटो वगैरह खींचे हैं, इतने प्यारे फ़ोटो आए ना, ये चीज़ नेचुरल, मतलब दिस इज नेचुरल। देखो भाई, प्लान ये है कि मैं आ गया हूँ वापस, और वापस आने के बाद ये जो आपने वीडियो देखी है इसमें आपके भाई ने खाई है बड़ी सख्त मार, इन्होंने मारा है मुझे, और लास्ट पे जब मैंने इनको 3 ठोकी है ना, तो फिर कहते हैं कि मैंने गेम भी नहीं खेलनी, फिर भाग गए हैं। सबूत नहीं है, सबूत नहीं है, वीडियो वाकई नहीं बन सकी, सबूत वाकई मेरे पास नहीं है। तो बंदे में कुछ होती है ना थोड़ी शर्म, वो हमने है ही नहीं बिल्कुल, इतना जुल्म किया इन्होंने मुझ पे आज। कभी आप आए ना हमारे साथ खेले, कभी आप भी खुशबू चखाएगी, हाँ कभी आप भी खुशबू लगा के, और इनको तो परवाह ही नहीं, सूप में बिजी है, वीडियो बन रही है, बंदे को थोड़ा हलवाई कर देता है, ज़रूरत नहीं है। हाँ इनको तो ज़रूरत है, इनको तो बस बेगम की ज़रूरत है। तो अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, बहरहाल जो भी है। तो अभी सूप आया मैं, ये सूप, दिस इज सूप, दिस इज सोप, साबुन नहीं सूप। तो अभी मैं पीऊँगा जनाब सूप, और इसके बाद कोई एक्टिविटीज़ है नहीं, रात के प्रोग्राम पे जाना नहीं है क्योंकि प्रोग्राम है बहुत ज़्यादा दूर, इसलिए हम नहीं जा सकते। तो आज का दिन हम कराची हैं, तो आज का दिन मैंने आपको जो छोटी सी वीडियो दिखाई तो उसी से गुजारा करें, और अभी इसके बाद नमाज वगैरह पढ़ी है, और इसके बाद मैंने जाना है सो, अब इसके बाद मैंने सो जाना है, मतलब कि फौत हो जाना है, मतलब कि समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब कि फौत हो जाना है। तो अभी ये सूप के साथ धड़ा धड़ बदमाशी कर रहे हैं, तो इससे पहले कि ये ख़त्म हो, तो इसी की इजाज़त मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा अल्लाह पाक उनके माँ बाप को सलामत रखे, जो नहीं करेगा वो जाने और फिर अल्लाह जाने। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।